Hello students, myself Srishti and I am here to teach you marketing. Hope you all are doing good and well, and please be at home and stay safe. So let's start with the topic. Today we are going to see the lecture 1 of unit 1 of marketing. So first of all, let us see that what we are going to do today. We are going to see the evolution of the marketing concept and about marketing mix. Fine. So let's see first of all evolution of the marketing concept means ये जो marketing का जो concept है इसका evolution कब कहाँ और कैसे हुआ means ये कहाँ से और कब से start हुआ. तो let's start a correct understanding of the marketing concept. से समझना इसकी सही जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिससे हम आज के टाइम की जो मॉडर्न मार्केटिंग है और मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसको समझ पाएँ. इसीलिए हमको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बेस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए. ठीक है. इन एनी वॉक ऑफ लाइफ थिंकिंग प्रोसीड्स डूइंग. The way of thinking that determines the very course of action. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग जब भी कुछ सोचते हैं क्यों सोचते हैं कि हमको उसे करना होता है उस चीज़ को कि कैसे करना है किस वे से करना है कब करना है इन सब चीज़ों की एक थॉट हम लोग के माइंड में चलती रहती है. इसीलिए कहा गया है द वे ऑफ थिंकिंग डिटरमाइंस द वेरी कोर्स ऑफ एक्शन कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम एक्ट करते हैं. ठीक है. तो नाउ लेट्स सी अ कॉन्सेप्ट इज़ अ फिलॉसफी an attitude, a course of thinking, an idea or a notion relating to any aspect of divine and human creations. The philosophy of an organization in the dynamic realm of marketing is referred to as the marketing concept. A concept is an orientation or a philosophy. First of all, we are going to see that what do we mean by concept. Concept kya hai? Concept एक philosophy है, एक attitude है, एक thought है, एक idea है या एक notion है. चाहे वो कोई भी भगवान की creation हो उसे लेकर या कोई भी human creation हो उसे लेके. तो concept क्या है? Concept is basically a philosophy, एक thought. को लेके जो भी चीज जैसे डिवाइन क्रिएशंस मींस जो ऊपर वाले ने जो क्रिएट किया हुआ है या तो ह्यूमन क्रिएशंस को लेके. द फिलॉसफी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द डायनेमिक रियल्म ऑफ मार्केटिंग इज रेफर टू एज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कहा गया है? ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है. A concept is an orientation or a philosophy. Concept क्या है? एक philosophy है. Thus, the marketing concept is the way of life in which all the resources of an organization are mobilized to create, stimulate and satisfy the consumer at a profit. It represents a distinct philosophy of business and considers the marketing more than a physical process. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर मोबिलाइज टू क्रिएट. एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं ठीक है उनको मोबिलाइज किया गया है मीन्स उनको ऐसे मूव किया गया है ऐसे सेट किया गया है जिससे कि वो कंज्यूमर के डिमांड भी सेटिस्फाई करते हैं प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन इन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रही हैं उनको भी प्रॉफिट देते हैं. आई रिपीट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वो वे ऑफ लाइफ है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उन रिसोर्सेज को ऐसे मोबिलाइज करती हैं ऐसे क्रिएट करती हैं ऐसे चेंज
की वॉन्ट सैटिस्फैक्शन की कैपेबिलिटी रखते हैं, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रॉफिट भी अर्न करवाते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट फिलॉसफी ऑफ द बिजनेस एंड कंसीडर्स मार्केटिंग मोर दैन अ फिजिकल प्रोसेस। मार्केटिंग कौन कॉन्सेप्ट अब सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस ही नहीं है कि जहाँ पे गुड्स बन रहे हैं और बिक रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत से एस्पेक्ट्स को अपने अंडर में लेता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट डू वी मीन बाय मार्केटिंग मिक्स। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स रिक्वायर्स पर्टिक्यूलर अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट बिकॉज द प्रोडक्शन हैज़ नो रिलेवेंस अनलेस द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। मार्केटिंग मिक्स इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इंटीग्रेटिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन सच अ वे टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ द इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। The elements of the marketing mix have been classified under four heads: product, price, place, and promotion. That is why marketing mix is said to be a combination of the four P's. Decisions relating to the product includes product designing, packaging and labeling, and varieties of the products. Decisions on the price is very important because sales depend to a large extent on the product pricing. अब देखते हैं मार्केटिंग मिक्स से क्या समझते हैं हम लोग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स रिक्वायर्स पर्टिकुलर अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज प्रोडक्शन हैज़ नो रिलेवेंस अनलेस द प्रोडक्ट आर सोल्ड। अब मान लीजिए आप कोई गुड्स बनवा रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दिए, गुड्स ऐसे ही बन के तैयार हुए, नहीं क्यों, क्योंकि आजकल के टाइम पे जब इतना कंपटीशन है तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जब भी अपने गुड्स की मार्केटिंग कर रहा है या गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या उनका प्रोडक्शन कर रहा है तो वो पूरा ध्यान उसी में दे, क्योंकि तब तक प्रोडक्शन का कोई भी रिलेवेंस नहीं है जब तक वो गुड्स बिके ना। मान लीजिए आपने ऐसे ही गुड्स बनवा के भिजवा दिए मार्केट में, कोई भी ध्यान नहीं दिया, ना कोई काम किया, ना कुछ किया, ना कुछ किया, आपके गुड्स नहीं बिक पाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, मार्केट में दी कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई और जब तक आप कुछ अलग हट के नहीं देंगे तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड इंटीग्रेटिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन सच अ वे टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ द इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग मिक्स वो प्रोसेस है किस चीज़ का, कि जितने भी एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग हैं सबको ऐसे इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट मीन्स एक एक साथ किया जाए और ऐसे डिज़ाइन किया जाए एक साथ करके, जिससे कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो जो कि कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर पाए, साथ साथ इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स भी वो जो है अचीव कर पाए, साथ साथ प्रॉफिट भी दे पाए। क्लियर, मार्केटिंग के उनको हम ऐसे इंटीग्रेट कर दे, मीन्स एक साथ ले आए और एक साथ ला के उनको ऐसे डिज़ाइन कर दे कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो और मार्केट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, प्लस जो है कस्टमर्स के वांट्स को सेटिस्फाई कर दे एंड एट लास्ट इंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी वो पूरा कर दे। नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स हैव बीन क्लासिफाइड अंडर फोर हेड्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। दैट इज़ वाई मार्केटिंग मिक्स इज सेट टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पीस। द डिसीशंस रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स हैव बीन क्लासिफाइड अंडर फोर हेड्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इनको जो है चार एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, जैसे आपका प्रोडक्ट है फर्स्ट वन, नेक्स्ट इज प्राइस, उसके बाद प्लेस और फिर प्रमोशन। अब जैसे कि प्रोडक्ट मींस आप क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए,
फिर नेक्स्ट आता है प्राइस, कि इसको बनाने में कितना प्राइस गया है, प्लस आप किस प्राइस पे इसको मार्केट में सेल करेंगे। उसके बाद होता है प्लेस, कि आप किस प्लेस पे इसको तैयार कर रहे हैं, प्लस जब आप बेचेंगे तो किस प्लेस पे ले जाके बेचेंगे, आपका टारगेट मार्केट कौन सा होगा। और नेक्स्ट इज प्रमोशन, कि इसे बेचने के लिए, इसके सक्सेस के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे कि लोग जान पाए कि आप ऐसा एक प्रोडक्ट लाए हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाई मार्केटिंग मिक्स इज सेट टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पीस। इसीलिए मार्केटिंग मिक्स को किसका कॉम्बिनेशन कहा जाता है, फोर पीस का। डिसीशंस रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड वराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। डिसीशन ऑन प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेल्स डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द प्रोडक्ट प्राइजिंग। ठीक है, अब जैसे क्या क्या दिया जाएगा उसमें, कैसे दिया जाएगा क्या नहीं, फिर पैकेजिंग कैन कैसे होगी, मींस पैकिंग एकिंग एंड ऑल, कौन से मटेरियल्स यूज़ होंगे, कैसे पैक किया जाएगा, प्लस लेबलिंग कैन कैसी होगी, और प्लस कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे। उसके बाद आता है डिसीशन ऑन प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने कहा था, क्योंकि प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि प्राइस ही डिमांड को सेट करता है, सेट इन द सेंस कि प्राइस ही पे डिमांड बहुत हद तक डिपेंडेंट होती है। क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हाई है तो जाहिर सी बात है वो बहुतों की रेंज से बाहर है, उसको हर कोई क्या नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता। और अगर प्राइस कम है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग प्राइस को परचेस कर पाएंगे। इसलिए प्राइस फिक्सिंग का डिसीशन बहुत ही ध्यान से और सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अब देखते हैं मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो यूज़ हुआ करते हैं। इन अ ब्रॉड सेंस दे सप्लाई, फर्स्ट इज सप्लायर्स, इन अ ब्रॉड सेंस दे सप्लाई द रिसोर्सेज टू कंपनी, सो दे मस्ट बी ऑपरेटिंग एफिशिएंटली इफ द मार्केटिंग मैनेजर हैज़ टू सक्सीड। एनी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई और प्राइस हाइक और स्ट्राइक इफेक्ट्स द मार्केटिंग फंक्शन, द फर्म दस शुड अवॉइड डिपेंडेंस ऑन एनी सिंगल सप्लायर। सप्लायर कौन हुआ करते हैं, जो रिसोर्सेज की, रॉ मटेरियल्स की, इन सब की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी मार्केटिंग मैनेजर्स को सक्सेसफुल होना है अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में, तो इसके लिए सप्लायर हमेशा ऑन टाइम सप्लाई देता हो, रीजनेबल रेट्स पे सप्लाई देता हो, ठीक वे से सप्लाई देता हो, रॉ मटेरियल्स या रिसोर्सेज की कोई भी डैमेज ना होता हो। ठीक है, और जो है कोई भी टाइप का जो है घपला या कुछ भी सप्लायर ना करता हो, तभी जाके एक मार्केटिंग मैनेजर अपने एम में सक्सीड हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हल्की सी भी सप्लाई में शॉर्टेज या प्राइस हाइक या कोई टाइम सप्लायर्स की स्ट्राइक हो गई एंड ऑल, ये मार्केटिंग फंक्शन को बहुत ही एडवर्स वे से इफ़ेक्ट कर सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर टाइम पे सप्लाई नहीं आएगी, सप्लाई कम आएगी रिसोर्सेज की, तो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो मार्केट में गुड्स नहीं जा पाएंगे, कम जाएंगे, कम गुड्स बिकेंगे तो कम सेल होगी। ठीक है, प्राइस हाइक बहुत सप्लायर्स ने, मान लीजिए बहुत ही हाई रेट पे रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स जो है प्रोडक्शन टीम को दिए हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में लागत आएगी उतना ज़्यादा उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कोई भी टाइप का प्राइस हाइक जो है एट लास्ट प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट डाल देगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ हाई देन जाहिर सी बात है सेलिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विल डेफिनेटली बी हाई, एंड इफ द सेलिंग कॉस्ट विल बी हाई देन द डिमांड फॉर इट विल नॉट बी हाई, इट विल बी लो। ठीक है, या तो कई कई टाइम स्ट्राइक हो जाती है सप्लायर्स की, तो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से डीले हुआ करता है और जो है मार्केटिंग फंक्शन पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए कभी भी किसी भी कंपनी को या किसी भी इंडिविजुअल को जो
अपना रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स के किसी सप्लायर से ले रहे हैं तो कभी भी उनको आते कई टाइप के उस सिंगल सप्लायर के साथ इश्यूज हो सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने दो तीन सप्लायर्स को बोल रखा है कि कुछ रॉ मटेरियल्स हम आपसे लेंगे, कुछ आपसे लेंगे, कुछ आपसे लेंगे, तो मान लीजिए एक जन फेल भी हुआ आपको टाइम पे रॉ मटेरियल सप्लाई करने में तो और दो हैं, बट अगर किसी ने सिंगल वे वैसे कोई एक ही से रॉ मटेरियल्स की बात की हुई है तो सप्लायर पे फिर बहुत ज़्यादा उसी सिंगल सप्लायर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी कि वो टाइम पर सप्लाई दे और ठीक प्राइस पर दे, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंटरमीडियरीज और इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मीन्स जो बिचौलिए, जिनको हम कह सकते हैं कि मार्केट में भी बहुत टाइप के बिचौलिए या मिडिलमैन हुआ करते हैं। जैसे कि मार्केट इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, लेट सी, दे आर द मिडिलमैन हु क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड क्वांटिटी यूटिलिटी। दे ऑल्सो इंक्लूड द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, मार्केटिंग कंसल्टिंग फर्म्स, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज एंड असेस द कंपनी इन टारगेटिंग एंड प्रमोटिंग द राइट प्रोडक्ट्स थ्रू द राइट मार्केट्स। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज एज द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ऑल्सो असिस्ट इन सेलिंग द गुड्स। ये मार्केट इंटरमीडिएट्स या इंटरमीडियरीज वो मिडिलमैन होते हैं जो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, क्वांटिटी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब मान लीजिए आपने किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में किया है और आपकी गुड्स की डिमांड यूपी में भी है। ठीक है, अब आपको गुड्स अगर यूपी में भेजना है तो आपको कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए ठीक है, तो या तो आप खुद आओ, बट आप खुद आओगे तो आपका बंगाल में लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ भी आपके गुड्स की डिमांड है, तो वहाँ भी बंगाल में भी आपकी गुड्स की डिमांड है तो कोई एक जन वहाँ नहीं रहेगा तो वहाँ भी इम्पैक्ट आएगा। तो अब मिडिल मैन इनका यहाँ पे क्या रोल है कि मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल में खुद का आप देख रहे हैं और आपके गुड्स की जो है यूपी में भी डिमांड है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके कोई एक मिडिल मैन अपॉइंट कर सकते हैं जो आपके गुड्स को यहाँ पे रिसीव करके उन मार्केट तक पहुँचाएगा यूपी में जहाँ पे आपकी गुड्स की डिमांड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, टाइम यूटिलिटी। बहुत बार क्या हुआ करता है कि कुछ गुड्स, अब जैसे कि आप मान लीजिए विंटर के क्लोथ्स हैं, ठीक है, ये विंटर के जो क्लोथ्स हैं इनकी डिमांड विंटर में ही हुआ करती है। ठीक है, अब मान लीजिए कश्मीर में ये विंटर के क्लोथ्स जो है ये बन रहे हैं, ठीक है, और विंटर कम का मंथ मैक्सिमम 3 से 4 मंथ का हुआ करता है, तो इन 3 से 4 मंथ के बीच ही जो सेल होंगी। अब मान लीजिए जनवरी के मंथ में कुछ प्रोडक्शन हुआ है विंटर क्लॉथ्स का, तो इनको जल्द से जल्द सेल करना है। अब मान लीजिए यूपी लाना है गुड्स को, अब वहाँ से मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन जो कहे कि ठीक है आप हमको गुड्स दीजिए, हम ऑन टाइम आपके गुड्स को जो है ये क्या कहते हैं कश्मीर से यूपी पहुँचाएँगे और इनको हम जो है वहाँ पे मार्केट में दे आएंगे, जिससे ऑन टाइम इनकी सेल हो पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है आफ्टर जनवरी कोई भी जो है विंटर क्लोथ्स आसानी से नहीं खरीदता, मैक्स टू मैक्स फेब तक लेते हैं, फेब के बाद से जाहिर सी बात आते बंद हो जाया करती। तो क्या हुआ करता था कि मिडिल मैन कई बार टाइम यूटिलिटी भी करते हैं, फिर ये क्वांटिटी यूटिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही कुछ क्वांटिटी नहीं बिक पाई है किसी भी प्रोड्यूसर की, तो ये खुद उससे लेके मार्केट में बेचते हैं मिडिल मैंस। ठीक है, प्लस जैसे कि मिडिल मैन किस किस फॉर्म में हो सकते हैं कि ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हो सकती हैं
जो कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो सकती हैं, मार्केटिंग कंसल्टिंग फर्म्स हो सकती हैं, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज हो सकती हैं, और ये ऐसी भी कोई एजेंसी हो सकती है या एडवाइज़र के तौर पे मिडिलमैन हो सकता है जो कि कंपनी को असिस्ट करता है किस चीज़ में, टारगेटिंग एंड प्रमोटिंग द राइट प्रोडक्ट्स टू द राइट मार्केट। मीन्स कोई कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को लेके आ रही है तो वो कोई मिडिलमैन की सर्विसेज ले सकती है जो कि एक एडवाइज़र हो, जो कि इनको ये एडवाइस दे कि आप जो है कहाँ पे किस मार्केट को टारगेट कीजिए, कहाँ के पे आपके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक पाएंगे। ठीक है, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज एज दी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ऑल्सो असिस्ट इन दी सेलिंग गुड्स। अब जिन बैंक से आपने लोन लिया हुआ है इन गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, या जिन कंपनी से इन गुड्स का इंश्योरेंस का कराया गया है, वो भी अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ही है जो आपको असिस्ट करती है किस चीज़ में, आपके गुड्स को सेल करने में। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं कस्टमर्स पर। दे रेफर टू द कंज्यूमर मार्केट्स, इंडस्ट्रियल मार्केट्स, रीसेलर मार्केट्स, गवर्नमेंट मार्केट्स एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। ईच मार्केट्स हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आते हैं कस्टमर्स जिनके लिए गुड्स बनते हैं, तो ये कंज्यूमर मार्केट्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल मार्केट्स भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत से गुड्स इंडस्ट्रीज के लिए भी बनते हैं, रीसेलर मार्केट्स भी हो सकते हैं जहाँ पे गुड्स को रीसेल किया जाता है, गवर्नमेंट मार्केट्स भी हो सकते हैं, प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स भी हो सकते हैं, और हर मार्केट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो कस्टमर्स भी जो है एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है मार्केटिंग मिक्स के, क्योंकि कस्टमर्स ही वो हैं जिनके लिए गुड्स तैयार किए जाते हैं और जिनकी सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स बनते हैं। तो अगर कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं हुए हाँ तो नेक्स्ट टाइम से वो गुड्स नहीं लेंगे, तो जितने भी एफर्ट्स किए गए हैं वो वेस्ट जाएंगे। तो कस्टमर्स जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है मार्केटिंग मिक्स के, क्योंकि जब तक कस्टमर्स रिस्पॉन्स नहीं देंगे प्रॉपर वे से तब तक कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। दे हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द फर्म, देयर एक्टिविटीज प्रोग्राम्स आर नीडेड टू बी स्टडीड वेरी केयरफुली फॉर द पर्पस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केटिंग पोजिशन ऑफ अ फर्म। कॉम्पिटिटर्स लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर स्फेयर में हुआ गर्न करते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो आपका वहाँ भी कोई इन द सेम वे जब आप कोई बिजनेस करते हो उस टाइम भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे। आपने देखा ही है जब भी आप मार्केट में जाया करते हो तो बहुत ही रेयर केस में ही यूँ हुआ करता है कि कोई एक प्रोडक्ट सिर्फ एक ही जन के यहाँ पे मिल रहा हो, नहीं तो वैसे ही 10 दुकानें हुआ करती है जहाँ पे सेम प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। तो वो क्या हुए, वो आपस में सब कॉम्पिटिटर्स हुए। अब जब भी आप कोई नया बिजनेस आप कोई लेके आओगे तो आपके माइंड में फर्स्ट थिंग क्या आएगी कि शुरुआत में हम उन कॉम्पिटिटर्स की जो हमसे शुरुआत में मार्केट में हैं उनकी पूरी स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से पढ़ें, उसको स्टडी करें हम कि ये कब कितना प्रॉफिट पाए, कैसे पाए, ये किस प्राइस पे सेल किए, इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इनका बेस क्या था, इनका कस्टमर बेस क्या था, इनका मार्केटिंग बेस क्या था। ये सब पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सक्सेस बहुत हद तक कॉम्पिटिटर्स पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि वो कैसे कि जैसे कि मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपका कॉम्पिटिटर भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है। अब अगर आपके कॉम्पिटिटर ने आपसे 5 रुपये कम प्राइस लगाया है उस प्रोडक्ट का, तो जाहिर सी बात है लोग किसके पास जाएंगे जो कम प्राइस में दे रहा है सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स। सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स वो आपसे कम पैसे में देगा तो जाहिर सी बात है लोग उसी के पास जाएंगे। तो क्या हुआ कि अगर आपकी कॉम्पिटिटर की सेल इंक्रीज हुई तो आपकी सेल डिक्रीज हुई, तो जाहिर सी बात है आप लॉस में गए फिर। तो कॉम्पिटिटर्स पर बहुत हद तक जो है आपके फर्म की सक्सेस या आपके बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है। तो इसीलिए कॉम्पिटिटर
lecture one. So let's see in brief that what we have done in lecture one. First of all, we have seen कि जो है ये marketing concept कहाँ से इसका जो है evolution हुआ, ये कैसे आया, ठीक है, ये है क्या exactly. तो marketing concept क्या है, ये वो वे है लाइफ का जिसमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मोबिलाइज किया जाता है और उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि एक कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर पाए प्लस किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी दे पाए, ठीक है. इसके बाद वी हैव सीन मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के कितने एलिमेंट्स हैं, चार. क्या क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इनको एक साथ ऐसे मिक्स करके डिज़ाइन किया जाए जिससे कि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए प्रोडक्ट से और इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाए, ठीक है. चार इनके एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इनको फोर पीस भी कहा जाता है. इसके बाद वी हैव सीन द वेरिएबल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जैसे कि सप्लायर्स हैं. सप्लायर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि जब तक सप्लायर्स ठीक रेट पर और टाइम पर रिसोर्सेज की या रॉ मटेरियल्स की सप्लाई नहीं देंगे उस टाइम तक प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. इसके पास आते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स या इंटरमीडरीज, जिनका काम मिडिलमैन का हुआ करता है, जो कि प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, क्वांटिटी यूटिलिटी, ये सब क्रिएट करते हैं. उसके बाद आते हैं कस्टमर्स, जिनका मेन रोल है, क्योंकि जब तक जो भी हो वो सक्सेसफुल नहीं होगा. एंड लास्ट इज कॉम्पिटिटर्स, जिन पर हमारी जो है सक्सेस बहुत हद तक डिपेंड करती है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज हमसे अच्छी हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अस. So tomorrow we are going to see the marketing strategy, marketing planning, market segmentation and market targeting. So till that time, take care, have a nice day. Thank you.